Good morning, dear children. Hope you all are doing good. So, welcome to chapter 14th of our book, that is water, and this is part one, right? So, can you imagine your life without water? No. You are ready, right? So, all the living organisms cannot survive without water. We cannot even imagine our life even one day, even uh, one to two hours of our life without water right from the time you wake up to the time you go to bed again at the night there are plenty of things that you do with the help of water right so let's start our chapter water is essential for the survival and growth of plants and animals as i told you plants or animals dono ke liye hi दोनों के ही सर्वाइवल के लिए सर्वाइव करने के लिए और दोनों की ही ग्रोथ के लिए वाटर इज वेरी वेरी एजेंशियल राइट एंड डू यू नो दैट टू थर्ड्स ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर यस हमारी अर्थ का जो टू थर्ड दैट इज टू बाई थ्री जो पार्ट है दैट इज कवर्ड विथ वाटर दैट मीन्स अगर हम पूरे अर्थ को थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें राइट right? तो उसमें से जो दो पार्ट्स होंगे ठीक है वो पूरा हमारा वाटर से भरा हुआ है ठीक है पूरा पानी से भरा हुआ है राइट एंड मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज फाउंड इन सीज एंड ओशन यू नो दैट राइट सो वी कैन नॉट यूज द वाटर ऑफ सीज एंड ओशन हम ये पानी जो है सीज एंड ओशंस का जो पानी है समुंदर का जो पानी है वी कैन नॉट यूज इट फॉर अवर डोमेस्टिक पर्पजेज है ना क्यों क्योंकि इसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है इट हैज अ वेरी हाई सॉल्ट कंटेंट ठीक है ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फॉर अवर यूज बिकॉज रेस्ट ऑफ़ द फ्रेश वाटर इज़ फ्रोजन इन ग्लेशियर्स ठीक है तो पूरी अर्थ में जितना भी पानी है ठीक है जैसे मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा अमाउंट कहाँ है सीजन ओशंस में जो हम यूज़ नहीं कर सकते और हमारे लिए बहुत ही कम अमाउंट है फ्रेश वाटर का फ्रेश वाटर मतलब जो हम यूज़ करते हैं ठीक है थीके? जो कि सॉल्ट फ्री होता है सो so, ये जो फ्रेश वाटर है ये भी बहुत कम अमाउंट में हमारे लिए प्रेजेंट है क्यों क्योंकि इसका भी जो ज़्यादातर पार्ट है वो कहाँ है ग्लेशियर्स में है पोल्स पर है है ना हमारे नॉर्थ और साउथ पोल पे जो बर्फ जमी हुई है ना ग्लेशियर्स जो है जो आइस कैप्स है वहाँ पे ये प्रेजेंट है ठीक है एंड सम ऑफ इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट एज ग्राउंड वाटर ओके एंड वी यूज़ दैट ग्राउंड वाटर वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर लेटर ओके सो नाउ यू नो दैट टू थर्ड ऑफ आवर अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर ओके दैट मीन्स 70%, right? 70.8% of our total earth surface is covered with water. Okay. Now, let's move on and see what are the uses of water. You all know it uh, really well already that we need water for drinking, cooking, washing clothes, utensils, flushing toilets, watering plants, and cleaning floors. Okay. So, these are the domestic uh, uses. ओके ऑफ वाटर देन वाटर इज़ अ मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल एंड गुड्स इट इज ऑल्सो इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल एंड गुड्स बाई बोट्स एंड शिप्स शिप्स ओके सो देखा होगा आपने ये जो जितने भी पानी के जहाज है जो शिप और बोट्स होती हैं वो क्या पानी पे ही चलती है राइट सो यहाँ पे वाटर क्या है एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ठीक है ट्रांसपोर्ट करता है चीज़ों को और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ठीक है

बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं वाटर में है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स जो हम बहुत इन्जॉय करते हैं लाइक स्विमिंग बोटिंग वाटर स्कीइंग पैरासेलिंग सर्फिंग राइट ऑल दीज आर द वाटर स्पोर्ट्स एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन ओके सो वाटर प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स देन वाटर इज ऑल्सो यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ठीक है हाइड्रो इलेक्ट्रिक हाइड्रोमीन वॉटर ठीक है सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होते हैं वहां पे वाटर की हेल्प से ही हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं बिजली पैदा करते हैं ठीक है सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट देन वी ऑल्सो यूज वाटर इन रेडिएटर्स ऑफ व्हीकल्स हमारे जो कार uh, बसेस और ट्रक्स जो होती हैं उनके जो रेडिएटर्स होते हैं ठीक है थीके? उसमें हम पानी यूज करते हैं एज अ कूलेंट ठीक है टू कीप देयर इंजन स्कूल ताकि उनका जो इंजन है वो ठंडा रहे ओके सो दीज आर द वेरियस यूजेस ऑफ वाटर विच वी सी इन आवर डेली लाइफ्स ओके नाउ नेक्स्ट वी विल सी इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिजम्स मीन्स अस प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारे लिए वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है ठीक है एंड डू यू नो दैट सेवेंटी परसेंट ऑफ आवर बॉडी वेट इज वाटर यस yes, हमारी बॉडी का जो सेवेंटी परसेंट जो वेट है दैट इज़ बिकॉज ऑफ वाटर ओके एंड वाटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर बॉडी इन द फॉलोइंग वेज फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर इज़ अ गुड सॉल्वेंट यस वाटर जो है वो बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है ओके दैट मीन्स जितने भी न्यूट्रिय और सॉल्ट्स जो हैं जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं ठीक है थीके? जो हम इनटेक करते हैं अंदर खाते हैं वो क्या होते हैं पानी में ही डिजोल्व होते हैं हमारी बॉडी में जो वाटर प्रेजेंट है उसमें ही डिजोल्व होते हैं और तभी हमारी बॉडी जो है वो उनको एब्जॉर्व कर पाती है ठीक है सो वॉटर क्या करता है न्यूट्रींट्स और सॉल्ट को खुद में डिजोल्व कर लेता है देन आवर बॉडी इज एबल टू एब्जॉर्ब इट ओके देन नेक्स्ट इज वॉटर डिजोल्व द वेस्ट मटेरियल्स ऑफ द बॉडी यस हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल्स जो फॉर्म होते हैं ठीक है उसे भी वाटर डिजोल्व करता है और वो किस फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन यस यू ऑल नो दैट राइट देन नेक्स्ट इज़ इट रेगुलेट्स अवर बॉडी टेम्परेचर ये पहले भी पढ़ा था हमने क्या होता है गर्मियों में हमें पसीना आता है ठीक है पसीना आता है तो हमारी बॉडी से क्या होता है पानी जो है वो इवापोरेट होता है इट इपोरेट्स फ्रॉम द सर्फिस ऑफ अवर बॉडी ठीक है तो कैसे इवापोरेट होता है बाई टेकिंग अवे द हीट ऑफ आवर बॉडी हमारी बॉडी का जो हीट है उसे एब्जॉर्ब करके वो जो पसीना है वो इवापोरेट हो जाता है एंड देन इट कूल्स डाउन अवर बॉडी एंड वी फील रिलीव्ड फ्रॉम हीट राइट देन नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स राइट सीड को जर्मिनेट होने के लिए देखा होगा आपने जब भी हम अपने घरों में बीज लगाते हैं बीज बोते हैं ज़मीन में है ना तो भी हम उसको पानी देते हैं ऐसा तो नहीं होता कि जब वो प्लांट निकलेगा तो ही हम पानी देंगे हमें उस बीज के लिए भी पानी देना पड़ता है क्यों क्योंकि वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन जर्मिनेशन ऑफ सीड्स ऑल्सो ठीक है सीड्स जो होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाते हैं देन दे बर्स्ट आउट स्प्राउट राइट एंड इट इस वेरी नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स बिकॉज प्लांट्स डू फोटो सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ वाटर ओके देन वॉटर हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड बाई प्लांट्स एज आई टोल्ड यू इट हेल्प्स इन फोटो सिंथेसिस ठीक है देन इट डिजोल्व द न्यूट्रिय इन द सॉइल पानी क्या करता है हम पौधों को जब पानी देते हैं तो हमारे सॉइल में मिट्टी में जितने भी न्यूट्रिय होते हैं वो सब पानी में डिजोल्व हो जाते हैं है ना जो हमने पानी दिया है प्लांट्स को और वही पानी जब प्लांट के रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं तो पानी के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं ठीक है ये हमने पढ़ा था चैप्टर सेवेंथ में मैंने बताया था आपको वट्स द फंक्शन ऑफ रूट राइट देन वाटर ऑल्सो एक्ट एज अ मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रियस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर जैसे हमारी बॉडी में वाटर जो है वो क्या कर रहा है मिनरल्स और सॉल्ट्स को डिज़ोल्व uh, करके uh, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचा रहा है और वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो सिमिलरली इट हैपन्स इन द प्लांट्स बॉडी ठीक है प्लांट्स में भी सेम होता है वाटर जो है वो मीडियम की तरह एक्ट करता है फॉर ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिय ठीक है देन नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ वॉटर ये सो क्या क्या सोर्सेस है वॉटर के हमें पानी कहाँ से मिलता है ठीक है क्या क्या सोर्सेस है हमारे वॉटर uh, के ऑन अर्थ द फर्स्ट इज रेन वाटर यस, बारिश सो डू यू नो दैट रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर ठीक है नेचुरल वाटर जो है उसका प्योरेस्ट फॉर्म है रेन वाटर क्यों क्योंकि इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है लेकिन जो फर्स्ट शावर होता है ना जो पहली बारिश होती है जब वो अर्थ पे नीचे की तरफ गिरती है वो बारिश तो क्या होता है जितने भी एटमॉसफेयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं जर्म्स हैं बैक्टीरिया हैं वो सब उसके साथ साथ नीचे आ जाते हैं ठीक है सो दे कंटेन मोस्ट ऑफ द इम्प्यूरिटीज बट उसके बाद जो रेन होती है ठीक है दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर यू कैन एक्चुअली ड्रिंक इट ठीक है देन नेक्स्ट इज सरफेस वाटर सरफेस वाटर नाम से ही पता चल रहा है हमें सरफेस वाटर क्या होता है द वॉटर विच इज प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ अर्थ के सरफेस पे अर्थ की सतह पर है ना हमारे धरती की सतह पर जो पानी है सरफेस पे उसे हम बोलते हैं सरफेस वाटर सो इट इज़ ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स द फर्स्ट इज रिवर एंड लेक वाटर रिवर मीन्स नदी एंड लेक मतलब झील ठीक so है सो द वॉटर इन रिवर्स एंड लेक्स कम्स फ्रॉम रेन है ना इनमें पानी कहाँ से आता है रेन से आता है ठीक है एंड मेल्टिंग ऑफ स्नो ऑन द माउंटेन्स और जो हिमालय पे जो बर्फ जमी हुई है हमारी है ना वहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं हमको पता है हिमालय से क्यों निकलती क्योंकि वहाँ पे जो बर्फ है वो पिघलती है और उससे ही हमारी जो नदी है वो निकलती है ठीक है सो वॉटर फ्लोज डाउन द माउंटेन्स एंड गोज इन टू रिवर्स ठीक है यही पानी जो है वो पिघल के नदियों में आता है ऑन इट्स वेड डिजोल्व सम सॉलिबल सॉल्ट एंड कैरीज सस्पेंडेड इंप्योर्टीज़ और पानी ये जब बह के आगे जाता है तो ये अपने साथ साथ क्या करता है रास्ते में जो भी सॉल्ट होते हैं ठीक है थीके? जो भी इसको मिनरल्स मिलते हैं वो सब अपने आप में डिजोल्व करते जाता है और जो गंदगी है वो भी अपने साथ लेके जाता है ठीक है सो इट कंटेंस हार्मफुल मटेरियल्स दैट आर डिस्चार्ज इन टू रिवर्स ठीक है तो इसमें हार्मफुल मटेरियल्स भी हो सकते हैं जो फैक्ट्रीज से निकल के आता है वेस्ट ठीक है और जो हमारे सिटीज से जो सीवेज जाता है जो पूरे सिटी का जो गंदा पानी है वो जाता है ठीक है सो समटाइम्स रिवर वाटर ऑल्सो कंटेन्स जर्म्स ठीक है दैट कैन कॉज डिसीजेस लाइक जॉन्डिस कॉलेरा टाइफॉइड ठीक है सो दीज डिसीजेज आर कॉल्ड वाटर बॉर्न डिसीजेज ठीक है सो दीज आर टू सोर्सेस ऑफ सरफेस वाटर ठीक है देन एनदर सोर्स ऑफ सरफेस वाटर इज सी वाटर है ना जो समुद्र में जो पानी होता है सो स्ट्रीम्स एंड रिवर्स जितने भी नदियाँ हैं ठीक है ठीके? वो सब अल्टीमेटली कहाँ जाके मिलती हैं सबको पता है सीज में है ना सो सी वाटर कंटेंट्स डिजोल्व और इसलिए हमारा जो सी और ओशन का जो पानी होता है वो इतना सॉल्टी होता है अब आपको समझ आया क्योंकि ये जो नदियाँ हैं ये अपने साथ जितना भी सोल्ट uh, डिजोल्व करके लाती है वो सब कहाँ जाके कलेक्ट हो जा रहा है हमारा सी वाटर में ठीक है सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट सी वाटर इज सॉल्टी इन टेस्ट ठीक है एंड इसीलिए हम इसे सलाइन वाटर भी बोलते हैं सलाइन ओके एंड इट इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पीने के लिए भी सही नहीं है ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस uh, में भी वी कांट यूज दिस वाटर नहीं यूज कर सकते एंड इंडस्ट्रीज में भी वी कैन नॉट यूज दिस वाटर ओके सो इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल नीड्स राइट सो दिस वॉज ऑल अबाउट सरफेस वाटर नाउ नेक्स्ट वी हैव अंडरग्राउंड और सब सॉइल वाटर अंडरग्राउंड नाम से ही पता चल रहा है मतलब ग्राउंड के नीचे ठीक है सो द वाटर प्रेजेंट बिलो द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर और अंडरग्राउंड वाटर ठीक है वो पानी जो हमारे अर्थ के सरफेस के नीचे प्रेजेंट होता है ठीक है ग्राउंड के नीचे प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं अंडरग्राउंड और सब सॉइल वाटर ठीक है एंड इसका जो लेवल है द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन आपको दिख रहा होगा दिस इज अवर ग्राउंड वाटर जो कि हमारे ग्राउंड के नीचे प्रेजेंट है ओके दिस इज अवर ग्राउंड वाटर ठीक है देन क्या होता है सम ऑफ द रेन वाटर जो बारिश जब होती है ठीक है तो उसका कुछ अमाउंट जो है वो क्या करता है अर्थ के सरफेस से सीप करके सीप करके मतलब धीरे धीरे नीचे ट्रिकल डाउन होकर वो सॉइल के नीचे चला जाता है और नीचे जाके जमा हो जाता है ठीक है इट गोज़ डाउन द सर्फेस ऑफ द अर्थ ठीक है एंड अल्टीमेटली ये जो पानी है वो कहाँ जाके रुक जाता है हार्ड नॉन पोरस रॉक्स के पास ठीक है क्योंकि हार्ड नॉन पोरस रॉक्स रॉक्स जो होते हैं वो उस पानी को और नीचे जाने के लिए अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ही नॉन पोरस होते हैं मतलब उनमें बिल्कुल भी पोर्स नहीं होते छेद नहीं होते जिससे कि पानी और नीचे चला जाए रिस्क के ठीक है तो यहाँ जाके ये पानी जो है वो रुक जाता है यहाँ दिख रहा होगा आपको ये है हमारा नॉन पोरस रॉक जहाँ से पानी नीचे और नहीं जा पा रहा है ठीक है और ये क्या है हमारा पोरस सरफेस है ठीक है तो यहाँ से पानी हमारा ट्रिकल डाउन होकर नीचे आ जाता है और यहाँ पे ये कलेक्ट हो जाता है ठीक है सो दिस इज अवर ग्राउंड वाटर ठीक है सो हाउ कैन वी यूज़ ग्राउंड वाटर सो ग्राउंड वाटर इज पम्प आउट बाई डिगिंग वेल्स ठीक है हम कुएँ खोदते हैं ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए ठीक है क्यों खोदते हैं ताकि हम वाटर टेबल तक पहुँच जाए वाटर टेबल क्या है ये ये दिख रहा है आपको ये वाटर टेबल द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इसको हम बोलते हैं वाटर टेबल ठीक है द लेवल ऑफ मतलब जितना लेवल है उस ग्राउंड वाटर का वो है वाटर टेबल तो हम जब कुएं खोदते हैं तो वी रीच द वाटर टेबल ठीक है एंड वी ऑल्सो यूज हैंड पम्प और ट्यूब वेल्स टू यूज़ ग्राउंड वाटर ठीक है टू पम्प आउट ग्राउंड वाटर दिस ग्राउंड वाटर इज़ यूज फॉर हाउस होल्ड एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल पर्पज तो ये आपने हैंड हैंडपम्प और वेल्स जो है कुएँ जो हैं ये आपने गाँव में देखा होगा बहुत ठीक है क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर एक पाइपलाइन सिस्टम नहीं होता है मोस्टली घरों तक पानी पहुंचाने के लिए तो वहाँ लोग क्या करते हैं अंडरग्राउंड वाटर मोस्टली यूज करते हैं ठीक है सबके घर में आपने देखा होगा हैंडपम्प्स बिल्कुल होते हैं ठीक है और एक कुआं भी होता है ठीक है जिससे लोग पानी निकाल के यूज करते हैं ठीक है सो इन दिस वे वी पंप आउट द ग्राउंड वाटर एंड वी यूज इट फॉर अवर डोमेस्टिक पर्पजेज ठीक है एंड ऑल्सो फॉर एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल पर्पजेज ठीक है ये जो ट्यूब होते हैं उनको हम खेतों में इरीगेशन के लिए यूज़ करते हैं ठीक है एट सम प्लेसेस वॉट हैपन्स वाटर कम्स आउट फ्रॉम द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स ठीक है कुछ जगहों पर क्या होता है पानी जो है वो ग्राउंड के अंदर से स्प्रिंग्स के फॉर्म में बाहर आता है ड्यू टू हाई प्रेशर इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है अंदर पानी का कि वो और uh, अंदर रह नहीं पाता है ठीक है तो इट बर्स्ट आउट बाहर निकल के आता है इट इज कॉल्ड स्प्रिंग वाटर ये जो आपको आप स्क्रीन पर दिख रहा होगा ठीक है ड्यू टू हाई प्रेशर इट कम्स आउट ठीक है सो वाटर ऑफ स्प्रिंग्स एंड वेल्स इज़ फिल्टर थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल तो ये जो पानी होता है जो ग्राउंड के नीचे से जो पानी आ रहा है ये क्या होता है हमारे अर्थ uh, सरफेस uh, के बहुत सारे लेयर्स से पास होके है ना बहुत सारे लेयर से पास होके ये जाके नीचे यहाँ पर जमा होता है तो देर आर नो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ इन इट इनमें सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज मतलब वो इम्प्योरिटीज़ जो इसमें तैरती रहती हैं है ना वो वाली इम्प्योरिटीज़ इसमें नहीं होती हैं ठीक है जो कि हमको रिवर और लेक वाटर में मिलेगा वो इसमें नहीं होता क्यों क्योंकि क्यों, क्यों, वो सब फिल्टर हो जाता है हमारे ग्राउंड के डिफरेंट लेयर्स से ठीक है तो इसमें सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़ नहीं होती लेकिन हाँ इसमें बैक्टीरिया एंड एलगे फंगाई हो सकते हैं ठीक है थीके? आपने देखा होगा आप सबके घर पर भी मोटर होगा है ना जिससे आप पानी पम्प करते होंगे है ना बोर का पानी जिसको हम बोरिंग बोलते हैं राइट बोर का पानी आप सब यूज़ करते होंगे सबके घरों में होगा अपार्ट फ्रॉम नगर निगम का जो पानी आता है ठीक है सो आपने देखा होगा हम उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं पीने के लिए है ना कई लोग करते भी है बट वो नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें भी बैक्टीरिया हो सकता है ठीक है तो उसे हम क्या करते हैं फ़िल्टर करते हैं हमारे सबके घर में आर फिल्टर लगा हुआ है तो उससे हम जब उसको फिल्टर करते हैं तो उसमें जितने भी बैक्टीरिया और जर्म्स जो हैं वो सब किल हो जाते हैं ठीक है थीके? और उसकी जो हार्डनेस है उसमें जो मिनरल्स जो सॉल्ट uh, जो डिजॉल्व होते हैं ठीक है थीके? वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है ठीक है सो इन दिस वे वी यूज अंडरग्राउंड वाटर राइट नाउ मूविंग ऑन फ्रॉम वेयर डू वी गेट वाटर अब हमें सोर्सेज तो पता चल गए वाटर के लेकिन हमारे घर तक वो पानी आता कैसे है जो पाइपलाइंस के थ्रू हमारे घर तक पानी आता है वे कैसे आता है यू मे से दैट वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स नल से आता है ना लेकिन नल में वो पानी कहाँ से आता है वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप्स कम्स फ्रॉम लेक और अ रिवर हमारे घर पर जो भी पानी आता है वो या तो किसी नदी या किसी झील से ही आता है वही सोर्स होते हैं इसका ठीक है लेकिन ये जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं इनमें इंप्योरिटीज़ होती हैं एज यू नो ठीक है ये दिख रहा है आपको ठीक है इम्प्योरिटीज़ होती हैं ये ड्रिंकिंग वाटर सोर्स है हमारा नदी या झील जो भी हो सकता है ठीक है तो ये रॉ वाटर होता है इम्प्योरिटीज़ वाला वाटर तो ये कहा जाता है हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ठीक है सो टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग दीज इंप्योरिटीज़ मस्ट बी रिमूव्ड ठीक है पीने लायक बनाने के लिए इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना ज़रूरी है तो क्या होता है ये जो रिवर और लेक का पानी है इसको प्योरीफाई करते हैं हम ठीक है कहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एंड देन इट इज़ supplied टू आवर हाउस एंड अदर प्लेसेस ठीक है दिस purified रिवर और लेक वाटर इज supplied टू our taps थ्रू अ नेटवर्क ऑफ pipelines. एक पाइप का बिल्कुल नेटवर्क होता है जाल बिछा होता है हर तरफ ठीक है जिससे हमारे घरों में सप्लाई आता है पानी का ठीक है आपने देखा होगा ये जब हमारा घर बन रहा होता है तो ये जो पाइपलाइंस है ये पहले बिछाई जाती है, है ना नीचे जिससे हमारा पानी जो है हमारे घर तक पहुंचता है ठीक है तो ये दिख रहा है आपको ये हमारा आ, रॉब ड्रिंकिंग वाटर सोर्स है ठीक है विच कुड बी विच कैन बी इधर अ रिवर और अ लेक ठीक है यहाँ से जाएगा पानी कहाँ प्यूरीफाई होने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में देन वहाँ से हमारे घरों में ये सप्लाई होगा थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस ठीक है और फिर हमारे घरों से जो गंदा पानी निकलता है दैट ऑल्सो गोज टू अ वाटर रिक्लेमेशन प्लांट ठीक है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी इसको बोलते हैं हम यहाँ जाता है एंड देन यहाँ से इट गोज़ टू द सोर्स अगेन ओके okay? ओके okay, इसके बारे में हम और पढ़ेंगे हायर क्लासेस में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में बट फिलहाल यू मस्ट नो दैट द वाटर फ्रॉम द सोर्सेज आर फर्स्ट प्योरीफाइड देन इट इज सप्लाइड टू अवर हाउसेज ओके देन मूविंग ऑन नेक्स्ट वी हैव डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर बहुत ही ईजी है इसको uh, हम पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर सिक्स uh, में राइट right? चैप्टर फिफ्थ में सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में मैंने बताया था आपको वाटर के डिफरेंट स्टेट्स क्या होते हैं हम सबको पता है सॉलिड स्टेट में क्या होता है ये आइस लिक्विड स्टेट में इट इज़ वाटर एंड गैशियस स्टेट में इट इज़ वाटर वेपर ठीक है और ये तीनों ही जो स्टेट्स हैं वो आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं ठीक है हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वाटर को ईजीली क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं ठीक uh, right? है एंड दीज चेंजेस आर रिवर्सिबल चेंजेस राइट रिवर्सिबल चेंजेस हैं सो वॉट हैपन्स वॉटर कैन भी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाई हीटिंग और कूलिंग या तो हम हीट करके या तो कूल करके हम वाटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं बहुत ही ईजी है पता है आपको जब हम आइस को हीट करेंगे तो इट विल मेल्ट एंड इट विल चेंज इन टू वाटर एंड वेन वी विल हीट दिस वाटर तो ये वाटर क्या होगा इवापोरेट होगा एंड इट विल चेंज इन टू वाटर वेपर जिसको हम इवापोरेशन बोलते हैं ना पढ़ा है हमने ये देन इसी वाटर को अगर हम कूल cool करें ये सॉरी वाटर वेपर को अगर हम कूल cool करें तो इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन और इस प्रोसेस में पानी जो है वो वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है राइट right? और इसी वाटर को जब हम कूल cool करें ठीक है लिक्विड वाटर को जब हम कूल cool करें दैट मीन्स फ्रीज करेंगे तो इट चेंजेस इन टू आइस दैट इज द सॉलिड स्टेट ओके सो एज यू कैन सी दीज थ्री स्टेट्स सॉलिड लिक्विड एंड गैशियस स्टेट्स आर इंटरचेंजेबल दैट मीन्स आइस वाटर एंड वाटर वेपर दे कैन बी कन्वर्टेड इन टू ईच अदर okay by heating or cooling right so uh, these are the different states of water okay and uh, this is the end of our uh, part 1 okay that means this is the end of our today's class and uh, i will see you in our next class with further topics uh, we will see evaporation condensation transpiration water cycle and conservation of water okay in the next class till then take care goodbye